तेलंगाना के जनता जब जरूरत है तब सही तरीका से सही जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर रहते। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना देके यहाँ के जो शहीद हुए युवा उनके विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हमको संपूर्ण हम इंस्पिरेशन लिए। वो हम जो भी वादा किए जो शहीद होकर उन लोग जो देश के लिए त्याग किए वो पूरा आगे हम लेकर जाएंगे। और केटीआर ने आज ट्विटर में वेलकम किया कांग्रेस पार्टी जीत को। मैं भी बीआरएस को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये स्पिरिट आगे सरकार चलाने में भी दिखाना है क्योंकि 10 साल अब सरकार में बैठा हुआ है। अभी विपक्ष में बैठने वाले विपक्ष के सुझाव हमेशा हम खातिर करते हैं, पॉलिसी हम बनाएंगे, सजेशंस विपक्ष की जिम्मेदारी है सजेशन देने का। तो इसीलिए असेंबली हम चलाएंगे, विपक्ष का सुझाव लेंगे, अच्छा सरकार बना के गरीब लोगों को मदद करने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी कोशिश करने वाले। इसमें हम बीआरएस और कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव, भारतीय जनता पार्टी मिस्टर किशन रेड्डी, एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एंड सीपीआई सीपीएम एंड तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंडराम सबके मदद लेकर सुझाव लेकर एक अच्छी सरकार बना के देश में एक आदर्श सरकार बनाने के लिए हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। सभी का जो साथ मिला, सभी जनता का जो साथ मिला, तेलंगाना के जो कार्यकर्ता है, सब नेता है, भाई बहने हैं, उन्होंने साथ देकर कांग्रेस पार्टी को जीत की ओर बढ़ाया है। जिस तरीके से इस चुनाव में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी इनके नेतृत्व में पूरे तेलंगाना की प्रचार बड़ी अच्छी तरीके से सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने की है। अहम भूमिका जो हमारी नेता सोनिया जी गांधी जिन्होंने जिस मकसद से तेलंगाना दिया था उस उद्देश्य को लागू करने के लिए जो मैंडेट है वो तेलंगाना की जनता को जितना ने कांग्रेस को दिया है।